उपरोक्त रिक्तियां विभिन्न उपयोगकर्ता संगठनों, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेट से प्राप्त हुई हैं। तथापि यह सूचित किया जाता है कि किसी भी वयोवृद्ध के चयन अस्वीकृति में DGR की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही किसी भी रिक्ति के लिए आवेदन करने से नियुक्ति की गारंटी नहीं होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज के वीडियो में बात करूंगा सर्विसमैन भाइयों के लिए कुछ जॉब निकल कर आ रही है उनके बारे में, तो कहाँ पर जॉब निकल कर आ रही है सब कुछ बताऊंगा। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, ये कहाँ पे निकल रही हैं जॉब और कितनी जॉब है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जियोटेक इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है दोस्तों, और मैनेजर एडमिन की जॉब है दोस्तों। इसको DGR के थ्रू जो अप्लाई करने की डेट है 22 जनवरी 2022 है दोस्तों। दोस्तों इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों 15% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसको इसका क्या है पूरा नोटिफिकेशन देखे जानते हैं इसके बारे में, क्या पूरा नोटिफिकेशन इसका है। तो देखिए, ये एम्प्लॉयर जियोटेक इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, लेवल ऑफ पोस्ट या मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों, और मैनेजर एडमिन का काम इसमें आपको करना है, और जो सैलरी आपकी पर मंथ रहेगी 50,000 रुपये पर मंथ रहेगी दोस्तों। और इसमें आपको सुपरवाइज ऑल एडमिन एंड सिक्योरिटी वर्क्स रिलेटेड एक्टिविटीज एट फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में सारे सुपरवाइज के काम करने हैं और पूरी सिक्योरिटी संबंधी एक्टिविटी आपको देखनी है इसमें दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और टेक्नोलॉजी टेक्निकली क्वालिफाइड वालों को इसमें वरीयता दी जाएगी दोस्तों। एक्सपीरियंस इसमें आप 15 से 20 साल का होना चाहिए, और प्लेस ऑफ इंटरनल पोस्टिंग यानी कि इकोटेक ग्रेटर नोएडा में आपका जो जॉब का प्लेस रहेगा उसमें एज रेंज जो है 45 से 55 साल रहेगी, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें एक वैकेंसी रहेगी, और लास्ट डेट जो है DGR के थ्रू जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू इसमें DGR में अप्लाई करने की 22 जनवरी 2022 रहेगी दोस्तों। और जैसा कि इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो हमारे जो अक्सर सर्विसमैन भाई होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको ऑलरेडी जब पेंशन आते हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही इसका मान्य रहेगा। लेकिन इसमें अगर वो टेक्निकल किसी डिपार्टमेंट से है, जैसे कि अपना EMBA वगैरह से होते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, तो उनको वरीयता इसमें दी जाएगी। जैसे दोस्तों इसमें निश्चय दिया गया है ऑल डिसेबल एक्सर्विसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट रूल्ड भी मेंशन देयर प्रायोरिटी नंबर, यानी कि जो हमारे सर्विसमैन डिसेबिलिटी से पेंशन आते हैं, डिसेबल सर्विसमैन विकलांग जो होते हैं, वो अपना जो प्रायोरिटी नंबर उसमें लिखें उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी उसके हिसाब से। कई लोग अपना प्रायोरिटी नंबर उसमें नहीं लिखते हैं तो उनको उसमें वरीयता नहीं दी जाती है, तो मैं अपने सर्विसमैन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, जो डिसेबल हो अपना प्रायोरिटी नंबर इसमें जरूर लिखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कैसे लगी दोस्तों आपको कमेंट करें लिखें, और किसी तरह का कोई भी शक हो तो बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें दोस्तों, और मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा उठाते रहें। और दोस्तों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।